फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड जो न्यू प्रोविजन आया है, प्रोसीजर क्या है, वो सब हम देखेंगे। ये जो नया प्रोविजन है सेक्शन 12AB, ये 1 जून 2020 से आया है। इससे पहले जो प्रोसीजर होता था फॉर रजिस्ट्रिंग ट्रस्ट, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन अंडर इनकम टैक्स, वो डिफरेंट था। एंड ये जो प्रोसीजर बताया गया है, ये पूरा डिफरेंट है। एंड आपको मैं फॉर्म 10A कैसे आप फिल कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करके बताऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए पूरे पूरे वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे फॉर इनकम टैक्स, GST। तो आइए सबसे पहले अपन प्रोविजन समझते हैं ट्रस्ट से रिलेटेड क्या प्रोविजन है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो सेक्शन 12A है एक और सेक्शन 12AA है। सेक्शन 12A बताता है कंडीशंस कि आप ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी है, जब तक आप इनकम टैक्स में रजिस्टर नहीं होंगे एज इन ट्रस्ट, और अगर आपने जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है अंडर सेक्शन 12A और 12AA, तब तक जो बेनिफिट्स हैं ट्रस्ट जो लेते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज उनकी इनकम एग्जेम्प्ट रहती है, वो बेनिफिट आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। मतलब सेक्शन 11 एंड 12 का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे जब तक आप इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो 12A 12AA का होता है। तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ट्रस्ट, उनके पास ये रजिस्ट्रेशन होगा। अब उन्हें क्या करना है, अब उन्हें 31 अगस्त से पहले पहले रिन्यूअल करवाना है वो रजिस्ट्रेशन। और जो नए है उन ट्रस्ट को ये प्रोसीजर जो नया आया है उसको फॉलो करना है। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ट्रस्ट, उनको भी ये प्रोसीजर ध्यान में रखना है, बिकॉज आगे चल के जो 5 साल का उनने ड्यूरेशन करा है उसमें यही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा हर बार। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो अर्लियर प्रोसीजर था फॉर रजिस्ट्रेशन, वो था मैनुअल। आपको कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर से ही अप्रूवल मिलता था रजिस्ट्रेशन का। आप पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे, बट अब ये जो नया प्रोसीजर बताया गया है सेक्शन 12AB में, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक है। और यहाँ पर दो चीजें बताई गई हैं कि सबसे पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट करा जाएगा एंड देन फाइनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा। ये बेनिफिट है ट्रस्ट के लिए, क्योंकि कुछ ट्रस्ट होते हैं जिनकी एक्टिविटी कमेंस ही नहीं हुई, और उनको जब फंड्स मिलते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाते हैं जब तक उनको 12A ग्रांट नहीं किया जाता। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देने से ये बेनिफिट होगा कि उनकी जो इनकम है जो टैक्सेबल हो सकती है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी सेक्शन 11 एंड 12 में। तो ये पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा एंड देन फाइनल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ट्रस्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, जिनके पास 12A का है या 80G का रजिस्ट्रेशन है, उनको सबसे पहले तो रिन्यूअल करवाना है 31 अगस्त से पहले पहले, क्योंकि उसमें ये बोला गया है 1 अप्रैल 2021 से विदिन 3 मंथ्स, जब 1 अप्रैल के बाद विदिन 3 मंथ्स उनको न्यू रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है। बट जो न्यू इनकम टैक्स पोर्टल आया है उसमें फॉर्म 10A जो फॉर्म है जिसमें आपको रिन्यूअल करना है या आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, वो सेम फॉर्म है, फॉर्म 10A, वो अवेलेबल ही नहीं था, कुछ टाइम पहले ही अवेलेबल कराया गया है। तो इस कारण जो ड्यू डेट है वो आगे बढ़ा दी गई है, 31 अगस्त हो चुकी है। अब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन उन लोगों को मिलेगा जो फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो नए ट्रस्ट बने हैं, सोसाइटीज, इंस्टीट्यूशन, जिनको रजिस्ट्रेशन लेना है इनकम टैक्स में, सबसे पहले उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद वो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो आइए अपन टाइम लिमिट और देख लेते हैं। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है, आप जिस प्रीवियस ईयर में सेक्शन 11 एंड 12 का बेनिफिट लेना चाहते हैं इनकम टैक्स में, वो प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने के 1 महीने पहले आपको अप्लाई करना है फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। आइए अपन एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए अगर आपको बेनिफिट लेना है इनकम टैक्स में, तो आपको 1 मार्च 2021 से पहले पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। जो भी प्रीवियस ईयर है उसके 1 महीने पहले से आपको
रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बताया गया है अंडर सेक्शन 12AB। पर ये जो प्रोविजन है सेक्शन 12AB का, ये तो 1 अप्रैल 2021 से अप्लाई हो रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए क्या होगा? तो वो ट्रांजिशन पीरियड है, तो उसके लिए एग्जेम्पशन आया गया है, और एग्जेम्पशन बताया गया है रूल 17A में। उसमें ये बताया कि जो भी एप्लीकेशन 1 अप्रैल 2021 में पेंडिंग है अंडर इनकम टैक्स, वो ये माना जाएगा कि आपने सेक्शन 12AB में ही वो एप्लीकेशन लगाई है। मतलब ये नए जो प्रोसीजर है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा। ये एक्सेप्शन सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 21-22 का है, क्योंकि ये अभी अभी ही 1 अप्रैल 2021 में ही प्रोविजन अप्लाई हुआ है। जब आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा तो वो 3 साल के लिए वैलिड है, और जब आपको ये रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, ये विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज फाइल्ड, आपके पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। मतलब जिस महीने आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है उस महीने के अंत से 1 महीना के अंदर अंदर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। ये टाइम लिमिट है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट की, और वो वैलिड होगा 3 साल के अंदर अंदर। जब 3 साल खत्म होने को आ जाएंगे तो ट्रस्ट को फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। उसकी भी टाइम लिमिट दी है कि 3 साल जब खत्म हो उसके 6 महीने पहले पहले आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें, या फिर आपके अगर ये 3 साल के बीच में ही कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी स्टार्ट हो चुका है, मतलब आपने एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया ट्रस्ट का, तो जब से स्टार्ट किया है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप अप्लाई कर दें, विच एवर इज अर्लियर। या तो 3 साल खत्म हो रहे हो उसके 6 महीने के पहले आप अप्लाई कर दें, या जब भी आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, पहले अगर स्टार्ट हो गई है तो जब स्टार्ट हुई है उससे 6 महीने के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें। फाइनल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे वो जो प्रिंसिपल कमिश्नर है वो वेरिफिकेशन के लिए भी मंगवा सकते हैं। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक होगा, इलेक्ट्रॉनिकली आपको विद इन 1 month ग्रांट कर दिया जाएगा सर्टिफिकेट, बट फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने का टाइम दिया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर कमिश्नर को आपको सर्टिफिकेट ग्रांट करना है, बट उस इन दैट केस वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकता है। सारी चीजें ऑनलाइन होंगी बट आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा देन ही आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा, और जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल के लिए वैलिड है। जब 5 साल खत्म होने को आएंगे तो फिर 6 महीने के पहले पहले आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है। तो ये अपने नए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की कहानी है, प्रोविजनल होगा देन फाइनल होगा। ये उन्हीं ट्रस्ट के लिए जो कि न्यूली रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है उनको तो रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है, उनको फाइनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट फॉर्म्स से रिलेटेड बताती हूँ कौन कौन से फॉर्म्स हैं। तो जब आप प्रोविजनल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोविजनल के लिए फॉर्म 10A है, और जब आप फाइनल के लिए अप्लाई करेंगे फाइनल रजिस्ट्रेशन तो फॉर्म 10AB है। ये दोनों फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक है और ये दोनों आप वेरीफाई कर सकते हैं ईवीसी से, इनकम टैक्स पोर्टल में ईवीसी का जो ऑप्शन है उससे वेरीफाई हो सकते हैं, डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से वेरीफाई हो सकते हैं, या आधार ओटीसी ओटीपी से भी हो सकते हैं। देन जो पर्सन ऑथराइज्ड है वो ही साइन करेगा ये दोनों फॉर्म, जो ऑथराइज सिग्नेटरी है वो ही ये दोनों फॉर्म साइन करेगा। और एग्जामिनेशन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, सीआईटी और प्रिंसिपल सीआईटी प्रोविजनल के टाइम पे तो विद इन 1 month आपको ग्रांट कर देंगे, और जब वो फाइनल देंगे तो फाइनल के लिए 6 months के अंदर अंदर आपको ग्रांट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो प्रोविजन में आप देख सकते हैं कंसर्न इनकम टैक्स अथॉरिटी हैज टू इशू प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म 10AC, जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो फॉर्म 10AC में मिलेगा, विच विथ 16-digit URN, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, विदाउट एनी फर्दर वेरिफिकेशन और एग्जामिनेशन।
जब आप अप्लाई करेंगे प्रोविजनल के लिए तो कोई ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं होगा, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपको ग्रांट कर दी जाएगी। बट इन केस अगर आपने फॉर्म को ठीक से फिल नहीं किया है, फर्निश नहीं किया है करेक्टली, तो इन दैट केस आपका कैंसिल भी हो सकता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो आपको ध्यान से फॉर्म भरना है, जो कि मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगी। फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आफ्टर फाइलिंग फॉर्म 10A(b), द प्रोसीजर इज एग्जैक्टली सेम एज इट वॉज प्रिवेलिंग बिफोर 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 के पहले पहले जो सेक्शन 12AA में प्रोसीजर मेंशन है, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड आफ्टर एग्जामिनेशन बींग सेटिस्फाइड देन ओनली CIT विल ग्रांट यू द फाइनल रजिस्ट्रेशन विच इज वैलिड फॉर 5 years। तो ये था अपना नए प्रोसीजर से रिलेटेड प्रोविजन। आइए अब अपन इनकम टैक्स पोर्टल में देख लेते हैं कि आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो आप पहले लॉग इन करेंगे इनकम टैक्स में, देन आप ई फाइल टैब में क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स फॉर्म में, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में आएंगे। ये फॉर्म आपको पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम के अंडर मिलेगा, फॉर्म 10A। तो मैं ऑलरेडी इसको फिल कर चुकी हूं, तो मैं आपको बताती हूं। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो यहाँ डॉक्यूमेंट लिस्ट टू हेल्प यू फाइल फास्टर में आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। डिटेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन कॉन्स्टिट्यूशन सच एज टाइप ऑफ ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन पैन एक्सेट्रा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होंगे तो आपको मदद मिल जाएगी फटाफट फाइल करने के लिए। आप इंस्ट्रक्शन को भी रेफर कर सकते हैं। तो जब आप फॉर्म ओपन करेंगे तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल है, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको पैन नंबर, नेम, एड्रेस मिलेगा। फिर वो आपसे सेक्शन कोड पूछेगा कि आपको कौन से सेक्शन में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और अगर आप नया न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेकंड कोड सिलेक्ट करना है, सब क्लॉज 6 ऑफ क्लॉज AC ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12A। तो जो फर्स्ट कोड है वो है ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड है एंड रिन्यूअल करवा रहे हैं, एंड सेकेंड है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ये तो हो गए 12A से रिलेटेड। अगर आप 80G से रिलेटेड ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको 11 एंड 12 कोड दिखेगा। 11 कोड उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जिनके पास 80G है और वो रिन्यूअल करवाना चाहते हैं, और 12 कोड उनके लिए जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अंडर 80G अप्लाई कर रहे हैं। और बाकी साइंटिफिक से रिलेटेड भी है, साइंटिफिक रिसर्च एंड अदर। तो ये आपको देन कोड सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेचर ऑफ एक्टिविटी बतानी है, वो चैरिटेबल है, रिलीजियस है, रिलीजियस कम चैरिटेबल है। इन माय केस इट इज चैरिटेबल, तो मैंने चैरिटेबल सिलेक्ट करा है। टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कंपनी है, अदर है। तो अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन आप सिलेक्ट करें। मेरे केस में सेक्शन 8 कंपनी है इसलिए मैंने कंपनी सिलेक्ट करा है। वेदर द एप्लीकेंट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर एन इंस्ट्रूमेंट, अगर है तो आपको बताना है। जैसे मेरे कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो मैंने कंपनीज की इंफॉर्मेशन दी है। सोसाइटी में रजिस्टर्ड है तो आपको सोसाइटी से रिलेटेड देनी है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताना है, फिर रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन नंबर बताना है, अथॉरिटी ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन बताना है जब आप यस पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है ऑब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है अपने ट्रस्ट का, सोसाइटी का, कंपनी का या इंस्टीट्यूशन का, वो उस पे आप टिक कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी टिक कर सकते हैं। ये बेसिकली जो चैरिटेबल ट्रस्ट की डेफिनेशन है अंडर इनकम टैक्स एक्ट वो ही एक्सप्लेन करी गई है। फर्स्ट रिलीजियस, सेकेंड रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटर शेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, एंड लास्ट है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अगर आपके स्पेसिफिक नहीं है जो आप ऊपर फॉल कर रहे हैं तो आप लास्ट वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्शन करें। फिर सिक्स्थ पॉइंट है वेदर द ट्रस्ट डीड कंटेन क्लॉज दैट इज ट्रस्ट इज इरिवोकेबल।
अगर आपके ट्रस्ट डीड में पॉइंट है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सेव हो जाएगा। देन अदर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वेदर द एप्लीकेंट इज रजिस्टर्ड ऑन दर्पण पोर्टल और अंडर FCRA एक्ट और एनी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिटेल्स बतानी है। दर्पण पोर्टल में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको उससे रिलेटेड बतानी है। 12A एंड डबल ए का आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपको उसकी डिटेल बतानी है। इसके बाद आपके जहां जहां भी रजिस्टर्ड है, FCRA में अगर आप रजिस्टर्ड हैं आपको उसकी डिटेल बतानी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, 8th पॉइंट, वेदर एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मेड बाय द एप्लीकेंट इन द पास्ट हैज बीन रिजेक्टेड। अगर आपने पास्ट में एक एप्लीकेशन करी है जो कि रिजेक्टेड है तो आपको उसकी डिटेल भी बतानी है। वेदर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर क्लॉज 21 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अगर आप सेक्शन 10 सब क्लॉज 21 का बेनिफिट लेते हैं, एग्जेम्पशन लेते हैं, तो आपको येस करके फर्दर डिटेल बतानी है, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करें। नेक्स्ट है की पर्सन डिटेल्स। आप जब की पर्सन डिटेल्स बताएंगे यहाँ पर तो आपको नेम ऑफ ऑथर, फाउंडर, ट्रस्टी, मेंबर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स जिनकी 5% एंड अबव है होल्डिंग, उनकी डिटेल्स यहाँ बतानी है। तो आपको नाम बताना है, रिलेशन बताना है कि वो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन कंपनी में क्या रिलेशन है उनका, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बताना है अगर वो शेयर होल्डर हैं तो, क्या ID आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आधार कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, पैन प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड आपको फर्दर उसको स्पेसिफाई करना है। मोबाइल नंबर बताना है, ईमेल एड्रेस बताना है, एंड उनका रेसिडेंशियल एड्रेस बताना है। ये सब ट्रस्टी की डिटेल्स बतानी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस इफ एनी ऑफ द पर्सन एज मेंशन इन रो 9A दैट इज अबव इज नॉट एन इंडिविजुअल, मतलब कि इंडिविजुअल्स नहीं है आपके ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन कंपनी में, तो आपको उनकी डिटेल बतानी है। जैसे HUF है या कोई अदर पर्सन है, जो नेचुरल पर्सन नहीं है, तो आपको उनकी डिटेल 9B में बतानी है। फिर आप इसको सेव कर देंगे। देन नेक्स्ट जो टैब है वो है डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी की। ये यहाँ पर आपको सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा अगर आप ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके हो। मेरे केस में यहाँ पर इनकम टैक्स में ऑलरेडी रिटर्न फाइल थी तो मे बी वहीं से ये इंफॉर्मेशन ग्रैब करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर तो सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है। 10th पॉइंट में हैज रिटर्न ऑफ इनकम बीन फाइल फॉर द लास्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच द ड्यू डेट हैज एक्सपायर्ड, आपने रिटर्न फाइल की तो वो वहीं से ये डिटेल फेच करेंगे। नेक्स्ट है इनकम डिटेल्स। इनकम डिटेल्स भी वो ऑलरेडी जो आपने रिटर्न फाइल करी है वहीं से फेच करेंगे। 20th में लिखा हुआ है इनकम रिसीव इन 3 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच एप्लीकेशन इज मेड, तो ये सब फ्रीज्ड है, सब ऑटोमेटिकली फाइल रिटर्न से लेंगे या जो हम अटैचमेंट करेंगे उनसे ली जाएगी ये डिटेल्स। आपको सिर्फ सेव पे क्लिक करना है, और अगर आपने रिलीजियस एक्टिविटी पे क्लिक करा है तो आपको ये टैब भी ओपन हो जाएगा और उसकी डिटेल्स भी बतानी है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन डिटेल्स। वेरिफिकेशन में आपको जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उनका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उनके फादर का नाम, एंड आपको सिर्फ टिक करना है एंड सेव पे क्लिक करना है। और उसके बाद लास्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अटैचमेंट का डिटेल। अटैचमेंट्स आपको काफी यहाँ लगाने हैं, जैसे कि फर्स्ट है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग दी ट्रस्ट और एस्टैब्लिशिंग दी इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर आप MOA AOA लगा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट भी सिमिलर पॉइंट है, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर आप ट्रस्ट डीड लगा सकते हैं। मेरे केस में MOA AOA है क्योंकि कंपनी है। थर्ड जो है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटी और रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, जो आपको सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का ग्रांट किया गया था वो आपको यहाँ लगाना है। 4th पॉइंट में सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर FCRA एक्ट, FCRA एक्ट में जो आपको रजिस्ट्रेशन कॉपी मिली है आपको वो अटैच करना है। नेक्स्ट अटैचमेंट में सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A, 12AA, 12AB
आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना ओल्ड रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर अटैच करना है. नेक्स्ट जो अटैचमेंट है, वेयर द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज बीन इन एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग एनी ईयर और ईयर प्रायर टू द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज मेड, सेल सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एनुअल अकाउंट्स. आपको एनुअल अकाउंट्स प्रिसीडिंग थ्री ईयर्स के लगाने हैं. अब प्रिसीडिंग थ्री ईयर्स आप कब से कैलकुलेट करेंगे, जब आप आज फाइल करें तो प्रिसीडिंग थ्री ईयर्स में तो फाइनेंशियल ईयर 2021 भी आ जाएगा. पर अगर आपके ऑडिट नहीं हुए हैं तो आपको यहाँ पर ऑडिटेड अकाउंट्स की कॉपीज लगानी है, तो 2021 को हटा के आप 1920 ऑनवर्ड्स आप लगा सकते हैं, 17, 18, 18, 19 एंड 1920 फाइनेंशियल ईयर की कॉपीज आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं. और इसके अलावा आपको दूसरे कोई अटैचमेंट्स करने तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं. बट यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेल्फ सर्टिफाइड बोला गया तो हर कॉपी को सेल्फ सर्टिफाइड करवाना आप ना भूलें. इसके अलावा जो अटैचमेंट, जो सिंगल अटैचमेंट आप करेंगे उसके जो साइज है वो 5 MB से एक्सीड ना करें, एंड ओवरऑल जितना भी अटैचमेंट है वो 50 MB से एक्सीड ना करें. PDF एंड zip फाइल ही प्रेफर करें. ये आपको स्टार्टिंग में ही डिस्क्लेमर्स दिए हैं. जब आप यहाँ पूरे अटैचमेंट करेंगे देन आपको सेव पे क्लिक करना है. अभी तो मैंने अटैचमेंट नहीं किए हैं इस वजह से सेव पे क्लिक नहीं करने दे रहा है. तो ऐसे आपको हर एक पॉइंट को फिल करना है. देन आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा. आपको फिर वेरीफाई करना है, एंड वेरीफाई के लिए मैंने जैसे आपको बताया DSE से कर सकते हैं, EBC से कर सकते हैं. ये तो रहा 12A से रिलेटेड जब आप रिन्यूअल कर रहे हैं या फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं. अगर आपको 80G से रिलेटेड अप्लाई करना है फ्रेश या रिन्यूअल तो भी फॉर्म सेम है. अगर आपको 10(23C) से रिलेटेड रिन्यूअल करवाना है या फ्रेश लेना है तो भी फॉर्म सेम है. एंड 35 से रिलेटेड आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तब भी फॉर्म सेम है. बस आपको 80G से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और सबमिट करना है. रिस्पेक्टिव सेक्शन से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, एंड जो कोड इनकॉर्पोरेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में आया है आपको रिस्पेक्टिव कोड को सिलेक्ट करना है. तो ये रहा फॉर्म 10A ऐसे फाइल करने का. इसमें आप गलती ना करें, क्योंकि आप अगर इसमें गलती करेंगे तो जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना है न्यू ट्रस्ट को, जो न्यूली फॉर्म ट्रस्ट है जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है. तो आप इसके लिए ध्यान रखें. और होप आपको सेक्शन 12AB जो कि नया प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का ट्रस्ट के अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ये समझ आया होगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब हर 5 साल बाद आपको यही प्रोसीजर अप्लाई करना है और इसका ध्यान रखना है. 6 months के 6 months से पहले पहले आप अप्लाई कर दें रजिस्ट्रेशन के लिए. तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट वीडियो मेरा ITR 3 पे होगा, क्योंकि ITR 3 भी नोटिफाई कर दिया गया है न्यू इनकम टैक्स पोर्टल में, तो मैं उससे रिलेटेड भी जल्दी ही वीडियो शेयर करूंगी. तो तब तक के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करें. थैंक यू.